हम बात करते हैं हमारे अपने नेक्स्ट स्टेप की, हमारा गवर्नमेंट कंपनीज, जो हमारे फॉर्म्स ऑफ एंड टाइप्स ऑफ द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के थर्ड स्टेप्स की जो थर्ड कैटेगरी है, जो जिसको हमने डिवाइड किया है, तो वो हमारी है गवर्नमेंट कंपनीज। अब गवर्नमेंट कंपनीज कौन सी होती हैं या उनका क्या होता है, रोल होता है, इसमें कह रहा है अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013, अ गवर्नमेंट कंपनी मीन्स एनी कंपनी इन विच नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप कैपिटल इज हेल्ड बाई द सेंट्रल गवर्नमेंट और बाय द स्टेट गवर्नमेंट और पार्टली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पार्टली बाय वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट। कहने का मीन्स क्या है कि गवर्नमेंट कंपनीज हमारी वो कंपनीज होती हैं जिनका, जिन कंपनीज में गवर्नमेंट का कम से कम 51% इन्वॉल्वमेंट होता है, समझे, उनका होल्ड 51% का होगा। कहने का मीन्स क्या है कि अगर वो कंपनी के शेयर्स हैं तो वो कंपनी के 51% का होल्ड गवर्नमेंट का होगा और बाकी का 49% अदर लोगों का होगा, पब्लिक का होगा, या कह सकते हैं जिसका जो पर्सन है उनका होगा, या ये कह सकते हैं कि प्राइवेट होगा, ठीक है। तो उसमें 51% का गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है। अब इसमें चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो, स्टेट गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो, या सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो, पार्टली सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो, पार्टली स्टेट गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो, ठीक है, ये कोई भी हो सकता है, ठीक है। आगे कह रहा है इसमें द शेयर ऑफ द कंपनी आर परचेज्ड इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो भी गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं उन, या जिसमें भी गवर्नमेंट कंपनी का इन्वॉल्वमेंट होता है 51% का, उस कंपनी के जो शेयर्स होते हैं, उस कंपनी के शेयर्स को किसके नाम से परचेज किया जाता है, गवर्नमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से परचेज किया जाता है, ठीक है। उस कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हो गए वो किसके नेम से जाना जाएगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, उसके नेम से उस कंपनी के शेयर्स को परचेज किया जाएगा, ठीक है। सच एंटरप्राइजेस आर नोन एज गवर्नमेंट कंपनीज बिकॉज गवर्नमेंट इज द मेजर शेयर होल्डर्स। इस तरह के जितनी भी कंपनीज होती हैं वो हमारी गवर्नमेंट कंपनीज कॉल्ड की जाती हैं, ठीक है। इसलिए हम उसको क्यों, उसका रीजन सिर्फ यही है कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट किसका होता है, गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल एन इंडियन स्टील अथॉरिटीज ऑफ इंडिया लिमिटेड, मतलब इन इंडिया, इंडिया के अंदर स्टील अथॉरिटीज ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये एक तरह से गवर्नमेंट कंपनी है, ठीक है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट गवर्नमेंट का है। तो कहने का मीन्स यहाँ पर क्या है, जो फॉर्म्स ऑफ हमारे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं या टाइप्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं, हम उनको तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टेटरी कॉर्पोरेशंस, और तीसरा हमारा है गवर्नमेंट कंपनीज। इन सारी कंपनीज को इस तरह से हमने उसको इसी तरह कैटेगराइज करके, और इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट में हम इसको इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारी कौन सी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है, कौन से हमारे स्टेटरी कॉर्पोरेशन है, कौन से हमारी गवर्नमेंट कंपनीज।